नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद के। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु प्राथमिक शिक्षक संघ फिरोजाबाद की जनपदीय एवं ब्लॉक कार्यकारिणी द्वारा पुरानी पेंशन बहाली व शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रधानमंत्री, भारत सरकार और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षक एकता, पुरानी पेंशन, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता। का आप लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं? मैं प्रवीण यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक की कार्यकारी का। ये जो हम लोग पुरानी पेंशन बंद की है शासन ने, उसको बहाल कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए हम प्राथमिक शिक्षक संघ में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आदरणीय बीएसए मैडम के माध्यम से हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए। इसके साथ साथ कुछ हमारी स्थानीय जो समस्याएं हैं, 68,500 और 69,000 में जो लोग नए नियुक्त हुए हैं उनका वेतन में एरियर रुका हुआ है और सारी समस्याएं, उन सारी समस्याओं को लेकर हम लोग एकत्रित हुए हैं। स्थानीय समस्याओं को भी हम अपनी मांग रखेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी हम बीएसए मैडम के माध्यम से शासन के लिए रखने आए हैं सारे लोग। भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्देश, प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर पुरानी पेंशन बहाली व अन्य शिक्षक मांगों को लेके लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय आंदोलन हमारा 10 तारीख से लेके 15 दिसंबर तक हुआ। आज इसी कड़ी में जनपद स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित जो हमारा मांग पत्र है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है। उसी क्रम में हम आज यहाँ, उसी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो हम पूरी अपना नौकरी का पूरा समय हम देने के बाद जब हमारी जो पेंशन ख़त्म कर दी है, उसकी लड़ाई के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था है उसको लागू किया जाए।